हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल शबनम्स लाइफस्टाइल। आप लोगों ने मेरे निकाह के ब्लॉग को बहुत पसंद किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ये मेरा निकाह के नेक्स्ट डे का मॉर्निंग का दिन है, और वैसे तो मायका और ससुराल एक ही है, लेकिन फिर भी हमारे में रस्म होती है कि मॉर्निंग में नाश्ता लेकर आते हैं। तो मेरा भतीजा लेकर आया है अपनी सिस्टर के लिए नाश्ता, और ये सारी चीज़ें वो ड्राइवर के साथ लेकर आया है। हालांकि आसपास में ही रहते हैं जैसे मैंने हमेशा बताया है ब्लॉग में, लेकिन इस तरीके से हम सारे नाश्ता कर रहे हैं। और अब ये शाम हो गई है, मैं वलीमे में जाने की तैयारी कर रही हूँ। हम सारे रेडी हो रहे हैं, और ये मेरा शादी का लहंगा है जो मैं वलीमे में पहनने वाली हूँ। ये लहंगा मैंने अस्मेरा शॉप से लिया था, मैंने अपने ब्लॉग में दिखाया है अस्मेरा शॉप जो भांडुप में है मुंबई के, और बहुत ही खूबसूरत सा लहंगा है। और मेरा तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है अस्मेरा से, मैं तो हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप लोग ज़रूर वहाँ पे विजिट करें। और ये मेरा लहंगा 35,000 का है, और ये मेरी बेटी का लहंगा है जो वो मैंने लिया है कलापी स्टोर से। कलापी स्टोर भी मैंने अपने ब्लॉग में दिखाया है, मैं वहाँ पे शॉपिंग के लिए गई थी। और ये मेरी बेटी का अराउंड 20,000 का ये लहंगा है, बहुत ही प्यारा सा कलेक्शन था वहाँ पर भी, तो आप लोग वहाँ पर भी विजिट कर सकते हैं। मेरे ब्लॉग में मैंने दिखाया है कलापी स्टोर, बहुत ही माशाल्लाह प्यारा सा लहंगा है ये। शॉपिंग के लिए तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुई थी, मैंने आप लोगों को ब्लॉग में दिखाया था मैं कहाँ कहाँ विजिट करी थी, लेकिन माशाल्लाह से जैसा मैं चाहती थी वैसा मुझे मिल गया। और ये मेरे बेटे का कोट पैंट है जो मैंने दरबार शॉप से लिया था, मैंने वो भी शॉप आप लोगों को दिखाई थी, और मैंने बताया था कि वहाँ पर मैंने उमर के लिए स्टिच किया है। और ये 10,000 का सूट है, बहुत ही खूबसूरत सूट है, बहुत ही परफेक्ट सिला है उन लोगों ने, पर मैं तो सोच रही थी थोड़ा सा बड़ा होता तो अच्छा रहता, क्योंकि इतना कॉस्टली लेके हम सिर्फ एक ही बार पहने तो वेस्ट ऑफ मनी हो जाता है। तो देखते हैं फिर अब क्या होता है। और ये हमारी टीम आ चुकी है हमको रेडी करने के लिए, माशाल्लाह से हम लोग काफ़ी लोग थे तो इसके लिए हमने पूरी टीम बुलाई थी, मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट ब्लॉग में भी। और इस तरीके से हमने अलग अलग रूम में शिफ्ट किया था, तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर भी अब ये अपना सेटअप तैयार कर रहे हैं, और बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से करती है। मैं इनको फिर से टैग कर दूंगी, लर्न विद कृपा इनका चैनल का नाम है, और ये गुजरात से आई हैं, बहुत ही नेचुरल और सटल मेकअप करती हैं। मैं इनकी आईडी टैग कर दूंगी। अब इनके सारे सामान देखो कितने प्रोफेशनल तरीके से सेटल्ड हो गए हैं, अब हमारा मेकअप स्टार्ट हो जाएगा। आज का फंक्शन हमारा बहुत ही ग्रैंड फंक्शन है अल्हम्दुलिल्लाह, इस दिन का हमने बहुत दिन से इंतज़ार किया है और फाइनली वो दिन आ गया है। बहुत ही सी तैयारियां की है, और ये देखिए बच्चे भी तैयार हो रहे हैं माशाल्लाह, मेरा बेटा कितना खूबसूरत लग रहा है, आप लोग भी माशाल्लाह बोलना मत भूलिएगा। और ये देखिए धीरे धीरे सारे बच्चे रेडी हो रहे हैं, और ये है हमारी जुबैदा हमारी मेड जो हमारी हेल्प के लिए रोज़ आती है, ये भी हमारी फैमिली मेम्बर से कम नहीं है, अभी वो भी रेडी हो जाएंगी। और देखिए किस तरीके से वो शादी में आए हैं, शादी में आए हैं। और देखिए किस तरीके से मुझे सपोर्ट कर रही हैं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने बोल रही हैं, तो आप लोग उनकी बात मत काटिएगा और जरूर मुझे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। माशाल्लाह देखिए हमारे बॉयज तैयार हो गए हैं, कितने खूबसूरत लग रहे हैं, और हमारे फोटोग्राफर भी आ गए हैं, दूल्हे का फोटो सेशन करना है और दूल्हे के सूट का वो अभी फोटो सेशन कर रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं। और देखिए ये हमारे दूल्हे का सूट है पूरा, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सूट है। और मैं भी अब रेडी हो गई हूँ, और अब हम निकलेंगे थोड़ी देर में। माशाल्लाह देखिए बच्चे भी कितने एक्साइटेड है, और सारे लोग हम रेडी हो गए हैं, अब हमने अपना अबाया पहनना शुरू कर दिया है। और ये देखिए हानिया कितनी खूबसूरत लग रही है माशाल्लाह। जहाँ हम सारी लेडीज इतना तैयार हो रही हैं तो बॉयज कहाँ पीछे रहने वाले हैं, तो उन लोगों के भी बाल सेटिंग के लिए बुलाया गया था, और ये निकाह के दिन भी आए थे और आज भी आए हैं। और ये देखिए मेरे बेटे का बाल सेट कर रहे हैं माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा लग रहा था, और सारे बच्चे बहुत खूबसूरत लग रहे हैं माशाल्लाह, आप ज़रूर बोलिएगा। फाइनली हम सब रेडी हो गए हैं, और अब हम जा रहे हैं वलीमे के लिए। और निकाह के लिए हमने होटल बुक किया था, और वलीमे के लिए हमने ग्राउंड बुक किया था, तो वहीं पर हम जा रहे हैं। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत सा हॉल है ये, और ये देखिए अब हम पहुंच गए हैं, और यहाँ पे पार्किंग है,
और यहाँ पर है जेंट्स का सेक्शन, बहुत ही खूबसूरत डेकोरेट किया हुआ है जेंट्स का भी सेक्शन, वो तो मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकती हूँ। और ये है लेडीज़ का सेक्शन, हम फाइनली पहुँच गए हैं। और ये देखिए कितना खूबसूरत सा एंट्रेंस बनाया हुआ है। और ये हमने लेडीज़ बॉडीगार्ड भी रखा हुआ था, तो ये लोग हमको अटेंड करने के लिए यहाँ पर आ गए हैं। लेडीज़ सेक्शन में हमने लेडीज़ बॉडीगार्ड्स और लेडीज़ कैमरामैन रखा था, और जेंट्स में हमने जेंट्स बॉडीगार्ड और जेंट्स कैमरामैन रखा था। देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत एंट्रेंस है। हम दुल्हन से भी पहले निकल आए थे क्योंकि हम लोगों को गेस्ट अटेंड करना था, तो हम लोग ऑलरेडी लेट थे। लेकिन जब हम यहाँ पे जल्दी जल्दी आए तो देखा कि पूरा हॉल अभी खाली है, तो मैंने सोचा कि क्लिप ले लेती हूँ, बाद में लोगों को ऑब्जेक्शन ना हो कि उनका फेस ना दिखे। तो देखिए किस तरीके से हॉल अभी खाली है और यहाँ पे खाने का काउंटर लगा है, तो मैं आप लोगों को वो भी दिखा देती हूँ कि किस किस चीज़ के काउंटर लगे हुए हैं। माशाल्लाह बहुत सारे काउंटर्स लगे हुए हैं। और ये है स्वीट्स के काउंटर्स, जहाँ पर पेस्ट्री और मूज और वेफल्स, ब्राउनी, चॉकलेट ब्राउनी और जलेबी, रबड़ी और तवा स्वीट्स, बहुत सारे स्वीट्स के वैरायटी थे। और पानी पूरी का काउंटर तो बनता ही है, उसके बिना तो हमारी शादी अधूरी रह जाएगी। तो ये रहा पानी पूरी का काउंटर। अभी काउंटर सारे स्टार्ट नहीं हुए क्योंकि गेस्ट नहीं आए हैं, सारे लोग तैयारी में जुटे हुए हैं। यहाँ पे जो टेबल्स लगे हुए हैं वहाँ पे सिर्फ नॉनवेज मिलेगा, लेकिन जो हमारे वेजिटेरियन फ्रेंड्स और हमारे जो बिजनेस पार्टनर्स वगैरह सारे आएंगे तो वो लोग वेजिटेरियन रहेंगे, इसके लिए उन लोगों का अलग से ही सेक्शन हमने बनवाया रहता है। तो मैंने वहाँ का भी क्लिप लेने के लिए वेटर को भेजा था, पर उसने मेरा कैमरा लगता है स्टार्ट नहीं किया, इस वजह से मेरा वो क्लिप मिस हो गया। और मैंने हॉल में चेक भी नहीं किया कि वो क्लिप आया है कि नहीं, जब मैंने घर जाके चेक किया तो वो क्लिप नहीं आया था। अगर मैं वहीं पे चेक करती तो मैं किसी को दोबारा भेज देती। और ये हम सेटल हो गए हैं, हम जूस पी रहे हैं। और यहाँ पे अलग से जूस काउंटर भी था, अलग अलग फ्लेवर के यहाँ पे जूसेस मिल रहे थे, और फ्रूट काउंटर भी था। तो अभी ये भी अभी स्टार्ट नहीं हुआ है क्योंकि हम बहुत जल्दी आ गए थे। तो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा हॉल, बहुत ही खूबसूरत तरीके से डेकोरेट किया हुआ। और ये देखिए पानी पूरी स्टार्ट हो गया है, अभी स्वीट बनना स्टार्ट हो गया है, धीरे धीरे सारे काउंटर स्टार्ट हो रहे हैं। और बहुत ही टेस्टी था सारी चीज़ें। वैसे तो गेस्ट अटेंड करने में इतना तो हमारे पास टाइम ही नहीं होता है, पर जब कोई आया नहीं था तब हमने थोड़ा थोड़ा चख लिया था सारी चीज़ें। अल्हम्दुलिल्लाह इतना टेस्टी सारी चीज़ें थी। और ये रहा फालूदा काउंटर, बहुत ही टेस्टी फालूदा था। और ये हमारा रेड वेलवेट केक, बहुत ही टेस्टी केक भी था, सारी चीज़ें बहुत टेस्टी थी। और जब तक हमारे काउंटर रेडी हो रहे हैं और हमारे गेस्ट आ रहे हैं, यहाँ पर सारे वेटर्स को जमा करके उनकी क्लास ली जा रही है कि किस तरीके से गेस्ट को अटेंड करना है, कोई भी शिकायत का मौका नहीं आना चाहिए। इस तरीके से वो उनके जो हेड है उनको बता रहे हैं किस तरीके से सारे लोगों को अटेंड करना है। और ये देखिए हमारी ब्राइड की एंट्री हो गई है, ड्रोन कैमरे से उनकी एंट्रेंस का वीडियो लिया जा रहा है। और फाइनली हमारी ब्राइड आ चुकी है, मैं उसको तो दिखा नहीं सकती हूँ क्योंकि मैंने उनसे वादा किया है कि मैं आपको नहीं शो करूँगी। और माशाल्लाह देखिए पानी पूरी कितना टेस्टी लग रहा है। और ये मेरा सबसे प्यारा वाला भतीजा, बहुत ही प्यारा भतीजा, बहुत ही सपोर्टिव भतीजा, आप लोग उसको दुआओं में ज़रूर याद करिएगा। और ये देखिए सारे गेस्ट आ चुके हैं, माशाल्लाह पूरा हॉल भर चुका है, खाना भी स्टार्ट हो गया है। और ये देखिए तवा स्वीट कितना प्यारा लग रहा है, बहुत ही टेस्टी भी था। ये देखिए सारे काउंटर अभी स्टार्ट हो चुके हैं। बहुत ही अच्छी शादी थी माशाल्लाह से, बहुत ही एंजॉय किया हमने, बहुत ज़्यादा थक भी गए थे क्योंकि इतने सारे गेस्ट को हम अटेंड कर करके थक गए थे। और आप लोग भी माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा और मेरे भतीजे और भतीजी को दुआओं में याद रखिएगा। और ये मेरी सिस्टर की ननंद की बेटियाँ हैं, तो ये लोग हम मुझे बोल रही हैं कि आप हमारा फेस दिखा सकते हैं। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी और उनके ड्रेसेस भी बहुत प्यारे थे,
मैंने कहा कि आप लोग अपना अपना ड्रेस भी शो करें, तो मैंने माइंड नहीं किया कि इस तरफ फोकस लाइट है तो इस वजह से क्लियर वीडियो नहीं आएगी, पर इंशाल्लाह मैं जब इनके नेक्स्ट व्लॉग में मैं ज़रूर इन लोगों का फेस अच्छी तरीके से दिखाऊंगी और अच्छी तरीके से वीडियो लूंगी। बहुत ही प्यारा ड्रेस था, थैंक यू सो मच आप लोगों का इतने सपोर्ट करने के लिए। माशाल्लाह सारे लोग बहुत प्यारे लग रहे थे, और ये मेरी भांजी है जो स्टेज पे जा रही है, बहुत खूबसूरत लग रहे थे सब लोग, बहुत ही प्यारा ड्रेस था। और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया और मेरे व्लॉग में आए, और मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरे व्लॉग में ये लोगों ने अपने आप को दिखाया और अपने ड्रेसेस को दिखाया, बहुत ही प्यारा ड्रेस था। जहाँ सारे बड़े अपना क्लिप्स बना रहे तो ये हमारे बच्चे कहाँ पीछे रहने वाले हैं, तो इन लोगों ने भी बोला हमारा भी क्लिप लो, बहुत प्यारे लग रहे थे। लेकिन गर्मी इतनी है कि सारे लोगों के मेकअप छूट गए हैं, लेकिन बहुत ही प्यारा ड्रेस लग रहा है सबका, देखिए कितना क्यूट क्यूट लहंगा लग रहा है इन लोगों के ऊपर, माशाल्लाह। आप लोग भी माशाल्लाह बोलना मत भूलिएगा, बहुत प्यारे लग रहे थे बच्चे। और ये अब हम खाने के काउंटर के पास जा रहे हैं, बहुत ही टेस्टी खाना था, और ये मेरी फ्रेंड्स आई हुई हैं तो बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं, हम लोग हंसी मजाक कर रहे हैं। जाहिर है मेरे ससुराल वाले भी आएंगे, मेरी नंदी भी आएंगी, और ये देखिए मेरी नंदी खाना खा रही थी, और ये क्यूट सी आलिया और हादिया हाय कर रही है, और ये रही अलीना मरियम, बहुत प्यारे लग रहे थे सारे बच्चे। व्लॉग मेरा थोड़ा लेट अपलोड हो रहा है क्योंकि वॉइस ओवर और एडिटिंग में भी टाइम लग जाता है, और फंक्शन होने की वजह से टाइम भी नहीं था। लेकिन जिस दिन वलीमा था उसके नेक्स्ट डे मेरी एनिवर्सरी थी और मेरी बेटी का बर्थडे भी था, सेम डे ही है दोनों, तो मेरी ननन ने, छोटी वाली ननन ने ये प्लान किया कि अरिबा के लिए केक मंगाते हैं, तो उसने वेफर्स काउंटर पर जाके बोला कि हम मुझे एक केक बना के दो अरिबा के लिए, तो उन्होंने भी बड़े प्यार से इस तरीके से केक बना कर दिया, और ये अरिबा को हमने सरप्राइज़ दिया, अरिबा भी बहुत खुश हो गई थी, और यहाँ पे उसे बुलाकर सरप्राइज़ दिया। लेकिन हमने केक कटिंग स्टेज पर ही की थी, और माशाल्लाह से हमारा फंक्शन बहुत अच्छा रहा। और ये रहा हमारा ग्रूम और उसकी टीम ग्रूम, बहुत ही खूबसूरत सा, देखो जेंट्स का भी डेकोरेशन था जो मैं शो नहीं कर सकती थी, पर लकीली मुझे ये क्लिप मिल गया तो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। ये एक तरफ लेडीज सेक्शन है और ये एक तरफ जेंट्स सेक्शन है। ये बच्चे देखिए गर्मी से इतना परेशान हो गए कि सारे लोग कोट निकाल निकाल के फेंक दिए हैं, अपनी अपनी मम्मी को पकड़ा दिए हैं, और सारे इस तरीके से घूम रहे हैं। और अब हम खाना खाने जा रहे हैं, और माशाल्लाह से इतना बड़ा टेबल लगा हुआ है, हम सारे लोग एक साथ खाना खा रहे हैं। माशाल्लाह खाना बहुत टेस्टी था, और शादी भी बहुत अच्छी थी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे से सारी चीज़ें हो गई। और हम लोगों को घर जाने के लिए भी बहुत लेट हो गया था, 2 बज गए थे हम लोगों को हॉल से निकलते निकलते, लेकिन बहुत मज़ा आया। और अल्लाह ताला मेरे भाइयों को बहुत तरक्की दे, और हम भाई बहनों में इसी तरीके से मोहब्बत बनी रहे, आमीन। और आप लोग भी आमीन बोलिएगा और दुआओं में याद रखिएगा, और प्लीज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।